हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, इसमें 35 क्वेश्चन होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का कि साइज ऑन स्टेज जो है प्लाज्मोडियम की, वो ह्यूमन्स में कहाँ होती है। सो ये इरिथ्रोसाइट्स और लिवर सेल्स जो है वहाँ पर पाई जाती है। ये ह्यूमन ब्लड में जो है स्पोरोसाइट होता है जो कि सर्कुलेट करता है अबाउट हाफ एन आवर, और उसके बाद ये लीवर सेल्स में चला जाता है। सो जो कुफर सेल्स है लीवर के, ये क्या करते हैं कि क्लियर करते हैं स्पोरोसाइट्स को फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को भी ये किल करते हैं जो कुफर सेल्स हैं। जो कुछ जो स्पोरोसाइट जो एस्केप कर जाते हैं इस डिस्ट्रक्शन को, वो कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं हमारे इरिथ्रोसाइट्स में। ये पेनिट्रेट कर जाते हैं हिपैटोसाइट्स को और वहीं पर रहते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं बाई साइजोगोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पॉन्स और पडल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो प्लाज्मोडियम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है, ये अपनी लाइफ साइकिल जो है दो होस्ट में कंप्लीट करता है। एसेक्सुअल साइकिल जो है इसकी मेन में कंप्लीट होती है, यानी हम ह्यूमंस में, और दूसरी होती है सेक्सुअल साइकिल इसकी जो कि एनोफिलीस मस्कीटो में होती है। तो इनका जो ब्रीडिंग प्लेस है मस्कीटोज का, वो पॉन्ड मार्श है या फिर स्वैम्पी एरियाज है। अगर ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एनोफिलीस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसके जो लार्वा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ कॉजेटिव एजेंट एंड जर्म या फिर डिजीज, यानी कि जो बीमारी फैलाने वाला जो कारक है और उसके से होने वाली बीमारी जो है उसका करेक्ट हमको बता रहा है। तो यहाँ पे एनोफिलीज रखा है, ये पता नहीं हमको ये मेल है या फीमेल। लिशमेनिया, स्लीपिंग सिकनेस, ग्लॉसिनिया, काला अजर, वुचरेरिया जो है फिलेरिसिस। तो डी बिल्कुल करेक्ट है। देखो वुचरेरिया बॉनक्राफ्टी जो है इससे फिलेरिसिस होता है, ये एक पैरासिटिक फिलेरियल निमेटोड वॉर्म है जो कि स्प्रेड होता है बाई मस्कीटो वेक्टर, जो क्यूलेक्स मस्कीटो है उससे। सो मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिली से होती है, और स्लीपिंग सिकनेस जो है वो अफ्रीकन ट्रिपिनोसोमेसिस इस भी हम इसे कहते हैं, और ये ट्रिपिनोसोमा से होती है ना कि लिशमेनिया से, ठीक है। और ट्रांसमिट होती है सीसी फ्लाई से, और काला अजर होता है किससे, लिशमेनिया डोनोवनाई से, जो कि एक प्रोटोजोआ है, और ये ट्रांसमिट होती है सैंड फ्लाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि पास होती है इन द फीमेल एनोफिलीज इज। तो हमने देखा कि इसके दो होस्ट होते हैं, डायजेनेटिक होती है, और फीमेल होस्ट में जो है इसकी सेक्सुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किससे फैलती है। तो ये जो है ट्रिपिनोसोमा गैम्बियंसिस जो है फैलती है, ये एक जो है पैरासिटिक जू फ्लैजेलेट है। ओके सो ये कॉमन डिजीज़ है ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड जोन्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, और ये सी फ्लाई जो है उससे ये फैलती है। सो ट्रिपिनोसोमा गैम्बियंसिस ट्रांसमिट बाय ग्लॉसिनिया फलपैलिस, ये इसका जो है वो है साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया पैरासाइट जो कि किससे होता है, जो टर्शियन जो ये है मलेरिया ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। तो इसके देखो चार होते हैं पैरासाइट, फैल्सीपैरम, वाइवेक्स, ओवेल एंड मलेरी। तो जो टर्शियन है वो किससे होता है, जो मैलिग्नेंट टर्शियन है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है उससे बेनिग्नेंट टर्शियन मलेरिया होता है, और मलेरियल से जो है क्वार्टरन मलेरिया होता है, और ओवेल से जो है ये रेयरेस्ट है इन चारों में से, और ये जो है माइल्ड टर्शियन मलेरिया होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो है लेवरिन ने खोजा था इसको 1880 में, प्लाज्मोडियम को जो है डिस्कवर किया था इन
आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1907 में। और जो सर रोनाल्ड रॉस है, जिन्होंने 1897 में, सॉरी इन्होंने 1880 में खोजा था इसको, और जो सर रोनाल्ड रॉस है इन्होंने 1897 में जो है ये खोजा था कि मलेरिया पैरासाइट जो है वो ट्रांसमिट होता है किससे, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की बाइट से, 1902 में, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1902 में। 1897 में उन्होंने खोजा था और 1902 में जो है इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो लैब्रेंट ने डिस्कवर किया था कि प्रोटोजोआ जो है पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, इससे ही कॉज होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फेक्टिव स्टेज जो है मलेरियल पैरासाइट की प्लाज्मोडियम जो कि एंटर करती है इन ह्यूमन बॉडी इज़, तो ये स्पोरोजॉइट है जो कि इन्फेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को। नेक्स्ट है बाइट ऑफ सीसी फ्लाई की बाइट करने से जो है ह्यूमंस में क्या हो सकता है, तो इससे हो सकता है हमको ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस जो है ये पास हो सकता है हमारे अंदर। नेक्स्ट है मलेरियल फीवर कोइंसाइड्स विद लिबरेशन ऑफ, तो फीवर कब आती है, ये सिम्टम जो है पहले सेवरल डेज में होते हैं और इससे जो है मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है उनके लिबरेशन से जो है फीवर आती है। नेक्स्ट है द वैक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस इज, तो स्लीपिंग सिकनेस का वैक्टर जो है वो है सी सी फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है वो किससे होती है, तो ये जो है इसे गैम्बियंसिस से होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन सा कर लेता है, व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, ये भी बिल्कुल सही है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो होती है और टाइम लेती है फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए, तो ये इसके लिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, यानी अगर हमें जो है दूसरे ऑर्गन लगाए जाएँ दूसरों से लेके, तो वो जो है रिजेक्शन हो जाता है, फेल हो जाते हैं, उससे पेशेंट जो है वो उसकी बॉडी जो है नकार देती है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, तो ये किस वजह से होता है, तो ये होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो पहचान लेती है कि ये जो ऑर्गन है ये किसी और का है, उसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी हमारी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और रिजेक्शन हो जाता है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का, इसीलिए जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम जो कि ये एक येलोइश फ्लूड होता है जो सिक्रेट होता है जो इनिशियल लैक्टेशन के डेज में मदर से, सो वो एक वेरी एसेंशियल टू इम्पैक्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट, बिकॉज तो उसमें जो है कोलोस्ट्रम में जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है वो इम्यूनोग्लोबिन IgA से जो है उसमें एनरिच्ड होता है, जिसकी वजह से जो है जो न्यू बॉर्न है उसको एंटीबॉडीज पास होती है और उसकी इम्यूनिटी जो है उसको पहली बार उसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो मिलती है इससे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, तो इसमें से अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जो कि रिलेटेड रहती है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये जो कॉज होते हैं बाय इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज बाय द बॉडीज ओन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी हमारा इम्यून जो सिस्टम है वो हमारे ही खिलाफ हो जाता है, तो वो ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती है इसमें। तो इसमें जो है देखो एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ये विटिलिगो वगैरह है, ये सारी जो है और भी इसके एग्जाम्पल होंगे ऑटो इम्यून डिजीजेज में आते हैं। बट अल्जाइमर डिजीज जो है वो एक क्रॉनिक न्यूरो डीजनरेटिव इररिवर्सिबल डिजीज़ है ब्रेन की, जिसमें ब्रेन जो है वो स्लोली जो है मेमोरी और उसकी जो थिंकिंग स्किल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।
नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन. तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है. तो ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट परसेंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन, यानी माल्ट में कितना परसेंट लिम्फॉइड टिश्यू होता है. तो माल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट एग्रीगेशन है लिम्फॉइड टिश्यू का, जो कि इसमें 50% जो है लिम्फॉइड टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी के. नेक्स्ट है एंटी वेनम इंजेक्शन जो है कंटेन्स परफॉर्म एंटीबॉडीज वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इन टू द बॉडी कंटेन. सो यहाँ पे ये जो है सैबिन वैक्सीन या फिर जो ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन है इसमें एटीन्यूएटेड वायरल स्ट्रेन होते हैं. तो एटीन्यूएटेड वायरल स्ट्रेन पैथोजेंस जो है वो इसमें पाए जाते हैं जो कि हमको इम्यूनिटी देते हैं अगेंस्ट द पोलियो वायरस. नेक्स्ट है द हायर वर्टिब्रेट्स इम्यून सिस्टम कैन, इन हायर वर्टिब्रेट्स इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल सेल्स एंड नॉन सेल्फ. इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इट अटैक सेल्फ सेल्स. तो इससे क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, हमने भी देखा ये ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है. हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे ही अगेंस्ट जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है, हमारे जो है टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय कर देता है. सो ये जो है जेनेटिक भी हो सकता है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी जो है ऑटो इम्यून जो डिजीज़ है वो हो सकती है, डिसऑर्डर्स जो है ये हो सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा कि इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज़ इन अ पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंसेस. तो इसके लिए हमको जो है सीरम ग्लोब्यूलिन्स जो है उनको देखना होगा. ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जिनमें गामा ग्लोब्यूलिन जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रेजेंट होते हैं और एक वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा कैरियर या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये जो ग्लोब्यूलिन्स है ये डिटरमाइन किए जा सकते हैं बाय प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस जो कि सेपरेट कर देते हैं प्रोटीन को उनके साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्ज परसेंटेज ऑफ इन ह्यूमन मिल्क. तो ह्यूमन मिल्क में IgA जो है वो होते हैं और ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्लास है इम्यूनोग्लोबिन्स की और ये मेनली जो है हमारा जो पसीना है, टीयर्स है, सलाइवा है, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉम इन सब में ये और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन इसमें ये पाए जाते हैं. नेक्स्ट है ये क्वेश्चन फिर से जो है रिपीट हो गया कि किडनी को रिजेक्ट करे पेशेंट क्यों. तो ये होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये रिएक्ट करता है अगेंस्ट ट्रांसप्लांट्स और ट्रांसप्लांटेशन जो है उस रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स में भी जो है लीड कर सकता है और इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है द प्रोटीन्स इन द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन एज फॉरन एंड इनिशिएट सेलुलर इम्यूनिटी अगेंस्ट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सो इंक्रीज एस्थमेटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन्स आर रिलेटेड. यानी कुछ सीजन्स में जो है जो एस्थमेटिक पर्सन होते हैं उनमें अस्थमा के अटैक जो बढ़ जाते हैं. तो ये किस वजह से हो सकता है, तो ये जो है हो सकता है कि सर्टेन जो सीजन्स हैं उनमें इनहेलेशन हो सीजनल पॉलेंस का इन समय से. तो यही होगा पॉलन जो है वो माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स जो होते हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और इससे एलर्जी हो जाती है. इन्हें एलर्जी जो है इसकी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है पॉलन पॉलन्स के लिए, पॉलन एलर्जी जो है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन प्रस्पायरेशन सलाइवा एंड टीयर्स एंड डिस्ट्रॉय. तो ये क्या डिस्ट्रॉय करता है, कौन सा लाइसोजाइम होता है ये. तो ये एक तरह का एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है लाइसोजाइम और ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी. सो ये हमारे जो आंसू होते हैं, नेजल म्यूकस, मिल्क है, सलाइवा है, इनमें ये जो मोस्ट एनिमल्स हैं इनमें पाया जाता है ये. तो फर्स्ट नेचुरल डिफेंस जो है ये उसकी तरह एक्ट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस यानी जीवाणु और विषाणुओं के लिए. सो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ये काम करता है.
नेक्स्ट है एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स. तो ये क्या होते हैं, ये एक क्लास है प्रोटीन्स का जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं. एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. सो अगर बच्चे में जो थाइमस है उसको डैमेज हो जाए तो उससे क्या होता है, तो उससे जो उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. थाइमस जो है वो मेजर ग्लैंड है, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम का. ये रिस्पॉन्सिबल रहता है बहुत सारे इम्यून सिस्टम के फंक्शंस के लिए, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए, और एक टाइप के वाइट ब्लड सेल्स जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स, ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो अगर थाइमस जो है वो डीजनरेट हो जाएगा तो ये हमारी जो इम्यूनिटी है ये इसका लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट है शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क टू द इन्फेंट इज कैटेगराइज्ड एज. तो ये जो शॉर्ट लिव्ड जो है इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए ही जो है वो मिलती है. नेक्स्ट है इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू. तो इंटरफेरॉन्स जो है वो प्रोटीन होते हैं एक तरह के, जो कि इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल टू अटैक बाय द वायरस बाय अनमास्किंग जीन्स, जो कि सिंथेसाइज करते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स को. तो ह्यूमन में तीन ग्रुप के इंटरफेरॉन्स होते हैं, जैसे अल्फा जो कि वाइट ब्लड सेल्स से होते हैं, बीटा इंटरफेरॉन्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट से मिलते हैं हमको, और एक गामा इंटरफेरॉन्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट से मिलते हैं. सो ये हमको देते हैं वायरसेस से जो है उनके खिलाफ ये प्रोड्यूस होते हैं. एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, तो एंटीबॉडीज जो है वो एक तरह का प्रोटीन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ. तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि जनरेट होता है बाय एन इंडिविजुअल ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्शियस पैथोजन या फिर वैक्सीनेशन. तो वो बहुत सारे केसेस में लाइफ लॉन्ग भी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी जब आएगा वायरस या बैक्टीरिया जो भी पैथोजन वगैरह है तो ये एक्टिवेट हो जाती है. सो ये रेजिस्टेंस है डेवलप आफ्टर डिजीज, क्योंकि तब हमारी बॉडी जो है उसे पहचान लेती है और उसके खिलाफ जो है वो वर्क करती है. नेक्स्ट, इफ अ पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इन हिज बॉडी द चांसेस दैट ही हैज़ गॉट एन इन्फेक्शन ऑफ. तो ये अभी हमने देखा था वायरस जो है उसके खिलाफ इंटरफेरॉन्स बनती है, तो इसमें से कौन सी वायरल डिजीज है, तो ये हो जाएगी मीजल्स. ये एक वायरल डिजीज़ है, ये प्लाज्मा उससे होती है प्रोटोजोआ से, और ये जो है बैक्टीरियल डिजीज़ेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है किससे, लिम्फोसाइट से. लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज़ को टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स और उनके टॉक्सिन्स को, और इसके अलावा वो जो फॉरेन ऑर्गन्स जो है उस ग्राफ्टिंग उसको भी रिजेक्ट करते हैं और किल ट्यूमर सेल्स. तो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोटीनेशियस होती है नेचर, एंड ये लिम्फोसाइट से जो है प्रोड्यूस होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं. सो ये होते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स, वायरस के अगेंस्ट बनेंगे. और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन. तो इसमें से देखो जो हे फीवर है वो एक एलर्जिक रिएक्शन है, ये पॉलन जो होते हैं उनकी वजह से होता है, जैसे ग्रासेस ट्रीज और बाकी के जो प्लांट्स हैं उनकी पॉलन से जो है ये होता है. इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो मैम्ब्रेन्स है नोज़ के, हमारी उनकी लाइनिंग की जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और कभी कभी कंजक्टिवा जो है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो सिम्टम्स जो है इसके हैं स्नीजिंग है, रनिंग और ब्लॉक नोज है, और आंखें जो है लाल हो जाती है, हमारी आईज की जो है वाटरिंग हो जाती है ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज बाय द मास्ट सेल्स. सो हे फीवर एक एलर्जिक रिएक्शन है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, घरों में ही रहिए. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.